हेलो हेलो, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कल गोवा से वापस आने के बाद आज पहली चीज़ जो मैं कर रहा हूँ इज़ गोइंग टू द एप्पल स्टोर। एक हफ्ते पहले मैंने नया मैकबुक प्रो लिया था, पूरी सेविंग्स उस पर खर्च कर दी एंड 3 दिन बाद ख़राब हो गया। आई एम प्रीटी श्योर देयर इज़ सम हार्डवेयर इशू बिकॉज स्क्रीन लाइट अप नहीं हो रही है। सो मैंने एप्पल सेंटर को कॉल किया, देयर लाइक ठीक है आप ये स्टेप्स करो वो स्टेप्स करो, नथिंग वर्क्ड। देन द सोल्यूशन वॉज टू गो टेक इट टू अ सर्विस सेंटर। सो दिस इज़ कवर्ड इन द वारंटी बिकॉज ये हार्डवेयर इशू है, पहले 3 दिन में ही आ गया है। सो आइदर दे गिव मी अ फ्री रिप्लेसमेंट और द टेक्नीशियन विल चेक इट, फिक्स इट एंड गिव इट राइट अवे। सो सर्विस सेंटर है एम जी रोड पे एंड एम जी रोड इज़ अबाउट 8-9 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। सो अपन मेट्रो में जाने वाले हैं एंड आई विल शो यू वॉट एम जी रोड इज़ लाइक ड्यूरिंग द न्यू ईयर सीजन। दोस्तों, क्या आपके सिटी में मेट्रो है? कॉमेंट करके बताओ। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव अ मेट्रो इन योर सिटी। ऐसे बैग पहन के मेट्रो जाते टाइम ऐसा लग रहा है मैं वापस कॉलेज स्टूडेंट बन गया। सो कॉलेज में मैं जाया करता था मेट्रो से, बट मेरे घर के सामने मेट्रो नहीं था। आई यूज़ टू टेक माई बाइक, 5 किलोमीटर आगे जाके पार्क करता था, उधर से मेट्रो लेता था। लेकिन 6 महीने पहले मेरे घर के सामने भी मेट्रो खुल गया। सो दैट्स वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज आई एम नाउ कनेक्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बैंगलोर थ्रू मेट्रो। मेरे घर से शायद 800 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर है मेट्रो स्टेशन, विच इज़ परफेक्टली फाइन फॉर मी। आई कैन वॉक देयर। कभी कभार मैं बाइक से भी चला जाता था, बट आज मन किया थोड़ा वॉक करें बिकॉज गोवा में 4 दिन में 4 kg गेन कर लिया गाइस, 4 दिन में 4 kg। सो इट्स टाइम टू लूज दैट वेट। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगले 3 हफ्ते में मैं पूरा वेट कम कर लूँगा। इट डोंट टेक लॉन्गर देन दैट। इस 4 kg में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 kg फैट होगा, बाकी होता है सोडियम, वाटर, ग्लाइकोजन, ब्लोट, वो सब चला जाएगा एंड देन आई विल बी बैक टू माय नॉर्मल वेट। और तो और दोस्तों, गोवा में इतना सांड की तरह खाया है मैंने कि कल वापस जिम जाने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार परफॉर्मेंस ज़ीरो हो चुकी है। इतना तेल खाया, इतना शुगर खाया है कि जिम में कुछ भी नहीं कर पा रहा, पूरा मतलब छाती में कंजेशन हो रहा है। सो आई एम एबल टू परफॉर्म एट ओनली 75% ऑफ माई यूजुअल इंटेंसिटी, बट दैट्स ओके। ठीक है, बॉडी अडेप्ट कर लेती है, फटाफट रिकवर हो जाएगी एंड वंस आई एम बैक आई शुड बी एबल टू परफॉर्म वेल। ये वेकेशन पे ना मेरे को ऐसे सांड की तरह खाना बंद करना पड़ेगा, आई हैव टू लर्न हाउ टू डू बेटर। सो ये रहा मेरा होम मेट्रो स्टेशन सिंगनपालिया, टाइम टू गो बोर्ड आर ट्रेन। लेट्स होप कि फटाफट ट्रेन मिल जाए। दोस्तों, मैं मेट्रो में कभी भी एस्केलेटर नहीं लेता, आई ऑलवेज टेक द स्टेयर्स बिकॉज मेट्रो का एस्केलेटर बहुत स्लो चलता है यार। सो आई जस्ट find it much easier, much more convenient to run up the stairs, जैसे अभी भाग रहा हूँ मैं। टाइम स्पीड तुम्हारा भाई स्पीड है। ओके, टाइम फॉर सिक्योरिटी चेक। अपना बैग इधर छोड़ना पड़ता है। और गाइज, ये मेट्रो कार्ड इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग एवर। इसके बिना ट्रैवल नहीं कर सकता भाई मैं, वरना आपको उधर जाके टिकट काउंटर में खड़ा रहना पड़ेगा। कभी कभार भीड़ होती है, इट कैन टेक अप टू 20 मिनट्स टू गेट योर टोकन। सो आई डोंट वांट वेस्ट माय टाइम लाइक दैट। लेट्स गो, रन 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 टू द मेट्रो प्लेटफॉर्म। भाग भाई भाग। ओके, ट्रेन इज 5 मिनट्स अवे। दोस्तों, ये मेट्रो स्टेशन अभी बहुत नया है, इट्स ओनली 6 मंथ्स ओल्ड। नए मेट्रो स्टेशन का वाइब ही अलग होता है यार। आई लाइक गोइंग टू न्यू मेट्रोज। एंड आज एप्पल स्टोर में हम लोग वो मैक सेफ पावर बैंक खरीदने की कोशिश करेंगे। यू नो व्हाट द मैक सेफ पावर बैंक इज? इट्स लाइक दिस, एक कार्ड की तरह होगा, आप अपने फ़ोन के पीछे चिपका सकते हो एंड इट विल चार्ज योर फ़ोन, राइट? बिकॉज द न्यू आईफोन्स कम विथ वायरलेस चार्जिंग। बैटरी के अराउंड देर इज़ अ सर्क्यूलर कॉयल, ठीक है, विच कैन मैग्नेटिकली चार्ज योर फ़ोन। सो ये मैगसेफ पावर बैंक स्लीक होते हैं, पतले होते हैं, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन योर फ़ोन, चिपक जाता है एंड विल कीप चार्जिंग योर फ़ोन। बिकॉज मैं फ़ोन पर ब्लॉक करता हूँ, आई थिंक आई विल बेनिफिट फ्रॉम अ पावर बैंक एज वेल। ये आ गई हमारी मेट्रो, दिस विल टेक मी टू एम जी रोड। यार मैं एयरपोर्ट लाया था बट उसमें चार्ज नहीं है, सो वी विल जस्ट हैव टू स्टैंड विदाउट एनी म्यूजिक। आई होप सर्विस सेंटर का लंच टाइम ना हो गया होगा, इट्स ऑलरेडी 1:15। भाई आई डोंट वांट टू वेट फॉर लंच टाइम, क्या पता मेरा मैक चेकअप करने में ये लोग और आधा घंटा 1 घंटा लगा दें। अकेला आया हूँ, कुछ करने को है नहीं। आई होप इट्स अ क्विक फिक्स मैन। ओके, सो आज एम जी रोड मेट्रो स्टेशन पे ही कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। इनसाइड द मेट्रो स्टेशन आई कैन सी सम ज्वेलरी, आई कैन सी सम क्लोथिंग, आई कैन सी सम स्नैक्स, इंटरेस्टिंग, बट वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट राइट नाउ।
वी नीड टू रश टू आवर सर्विस सेंटर. ओके दोस्तों, सो मैं अभी एम जी रोड पर हूँ एंड वी नीड टू गो टू एप्ट्रॉनिक्स. एप्ट्रॉनिक्स इज़ अ ऑथराइज रीसेलर. उनके स्टोर के ऊपर एप्ट्रॉनिक्स का खुद का एक सर्विस सेंटर भी है विच इज़ अगेन एप्पल ऑथराइज्ड. सो लेट्स गो गेट इट डन. बाय द वे, अगर आप लोगों को पता नहीं था, अगर आप अपना एप्पल प्रोडक्ट नॉन ऑथराइज्ड सेलर से रिपेयर करवाओ तो आपका वारंटी चला जाएगा. टेक्निकली दैट्स जेल ब्रेक ऑल्सो एंड यू विल नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ द एप्पल इकोसिस्टम. कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर नया डिवाइस खरीदो. इनफैक्ट एप्पल का लॉजिक ये है कि उनको रिपेयरेबिलिटी नहीं देनी है, मीनिंग कि तुम्हारा डिवाइस ख़राब हो गया तो तुम नया डिवाइस खरीदो, राइट? स्क्रीन टूट गई तो 25,000-30,000 रुपये स्क्रीन के लिए, भाई इसकी जगह मैं नया फ़ोन ले लूँ. दैट इज़ द एंटायर लॉजिक ऑफ एप्पल कि तुम लोग नया फ़ोन लो, रिपेयर मत कराओ. जब तक चल रहा है बढ़िया चलेगा, जिस दिन ख़राब हो गया एप्पल का डिवाइस ख़त्म है. विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टेक्निकली, बिकॉज यूज़र शुड बी अलाउड टू रिपेयर हिज ओन डिवाइस, है ना? दैट इज़ द राइट टू रिपेयर. अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदा है, राइट, एंड उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, आई शुड बी अलाउड टू ओपन इट एंड फिक्स इट बाई माई सेल्फ इफ़ आई वॉन्ट टू. एनी वे, सो अभी दोपहर के 1:15 बज रहे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है अभी. अगर न्यू ईयर के टाइम आप रात को आओ तो भाई दिस एंटायर रोड फॉर द नेक्स्ट 2-3 किलोमीटर्स इज जैम पैक्ड, लाइक इंच बाई इंच मूवमेंट होता है. ओ सो सैड दोस्तों, यहाँ पे कैफे कॉफी डे हुआ करता था. इट्स बिन हियर फॉर 15 ईयर्स एट लीस्ट एंड नाउ इट्स नो मोर, मैन. फक दोस्तों, कैफे कॉफी डे के सारे ब्रांच बंद हो रहे हैं यार. दे आर अ लॉस मेकिंग कंपनी एट द मोमेंट एंड सीम्स लाइक दे आर नॉट एबल टू कम बैक. नाउ एम जी रोड पे एक रेस्टोरेंट है कॉल्ड एज लूपा. ये भी नया है, मे बी 1.5 ईयर ओल्ड होगा. सो कुछ 6 महीने पहले मैं, सैगल और जीरो, मेरे फ्रेंड्स, हम लोग आए थे इधर, ठीक है, वी वॉन्टेड टू ईट देयर. भाई मैं ऐसे पजामे में आया था, चप्पल में, मेरे को एंट्री नहीं दी. बाउंसर बोला कि वी आर फुल. भाई इट्स नॉट इवन अ क्लब, इट्स लिटरली अ रेस्टोरेंट. बिकॉज मैं चप्पल में आया, मेरे को बोला सॉरी वी आर फुल. फक यार, मतलब ऐसे ट्रीट किए हम लोगों को. हम लोगों ने बोला ठीक है यार, तुम्हारा लॉस है. एंड वी हैव अराइव्ड एट एप्ट्रॉनिक्स. सो दिस इज द सर्विस सेंटर. Excuse me. Hi, I have an issue with my MacBook Pro. The screen is not lighting up. So I purchased it on Sunday. I used it for 2 days. I was working on iMovies and suddenly it just crashed. The screen stopped working. भाई मतलब इतना टट्टी सर्विस है, मेरे को पता है क्या इशू है. There is most likely a loose connection या फिर डिस्प्ले ख़राब है, ठीक है, बाकी सब ठीक है. तो मैंने इन लोगों को बोला फॉर द टाइम बींग तुम लोग मेरे को एक एक्सटर्नल मॉनिटर दो सो दैट आई कैन कनेक्ट माई मैकबुक एंड रिट्रीव माई फाइल्स, ठीक है, बिकॉज आई कैनॉट सी एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. मैकबुक चल रहा है, कीबोर्ड रिस्पॉन्स दे रहा है, सब चल रहा है, बट स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा. तो मैंने बोला एक HDMI केबल दो एंड एक मॉनिटर दो ताकि मैं सभी कुछ कॉपी कर सकूँ. इन लोगों के पास मॉनिटर नहीं है भाई, एप्पल स्टोर में इन लोगों के पास एक मॉनिटर नहीं है, HDMI केबल नहीं है, हद होती है यार. एंड फिर बोलती है कि वी विल टेक 7 days, ठीक है. मैंने बोला अभी 45 मिनट्स में वापस आ रहा हूँ, तुम ओपन करो, अगर लूज कनेक्शन है तो चेक करके दो मेरे को, ठीक है. क्या भाई 7-7 दिन के लिए मैकबुक रख लो. तो मैंने बोला ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट इट फॉर 7 days कीप इट, बट गिव मी अ रिप्लेसमेंट डिवाइस, ठीक है, 7 दिन के लिए मेरे को एक लोन करके दो डिवाइस, कि हाउ विल आई वर्क, है ना, पूरा काम लैपटॉप पे होता है, आई डोंट हैव अ बैकअप लैपटॉप. शी सेड वी कांट डू दैट एज वेल. भाई इतनी टट्टी सर्विस है, ठीक है, हद होती है यार. मैं बता रहा हूँ एप्पल का अगर कुछ ख़राब हो गया ना तो तुम लोग भूल जाओ डिवाइस को. सो नाउ वी आर हेडेड टू स्टारबक्स. एक 30 मिनट्स में उधर बैठूंगा, आई विल कम बैक. मतलब इतना इरिटेट करते हैं लोग. तो स्टारबक्स इज़ ऑन चर्च स्ट्रीट एंड वी आर ऑन चर्च स्ट्रीट राइट नाउ. भीड़ है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है. रात को यहाँ पे एटलीस्ट इसकी 5 गुना भीड़ होने वाली है थैंक्स टू द न्यू ईयर्स वीकेंड. इधर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं. एनीवेज, स्टारबक्स इज़ दिस वे एंड आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स इट. लेट्स होप आई डोंट रन इनटू समबडी बिकॉज आई डिडंट प्लान ऑन मीटिंग एनीबडी. मैं बस चाहता था कि अपना मैकबुक फिक्स करा के फटाफट घर जाऊँ. हाय, कैन आई डू एन आइस अमेरिकानो विथ 1 pump हेजलनट? मोहित, MOHIT. थैंक यू. सो माई यूजुअल ऑर्डर हियर इज दिस आइस्ड अमेरिकानो. आई थिंक 50 calories होता है इसमें. 1 pump हेजलनट, नो मिल्क, नो शुगर. फॉर 50 calories इट गेट्स द जॉब डन. वैसे भी मेरे को कॉफ़ी पसंद नहीं है. आई कम हियर बिकॉज आई हैव अ प्लेस टू सिट, आई हैव अ प्लेस टू रिलैक्स. AC है, रेस्ट रूम अच्छा है, दैट्स ऑल आई नीड.
सो स्टारबक्स में 30 मिनट्स काटने के बाद अभी मैं निकल रहा हूँ. लेट्स गो बैक एंड सी इफ देव डायग्नोस्ड एनी इशू. मैंने उसको बोला था कि अगर कोई लूज कनेक्शन जैसी चीज़ है तो प्लीज़ अभी फिक्स करके दे दे, बट लेट्स सी. इन लोगों को भी नाटक करना होता है. और यार फ़ोन में चार्ज कम है, पता नहीं आईफोन में यार पहले 3-4 महीने बढ़िया चलता है, उसके बाद चार्ज नहीं रुकता. सो अभी वापस MG रोड पे आ चुका हूँ, थक चुका हूँ मैं इस नाटक के साथ. आई एम गोइंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट्स गेट माई लैपटॉप, होपफुली लेट्स गेट माई लैपटॉप. उसके बाद घर जाना है, काम करना है, जिम जाना है, हो सके तो क्रिकेट भी खेलने जाना है. भाई किस्मत देखो, एप्पल स्टोर में पावर नहीं है. भाई किस्मत देख रहे हो तुम लोग, एप्पल स्टोर में पावर नहीं, एंड उसकी वजह से इन लोगों ने मेरा काम स्टार्ट नहीं किया. व्हाट टू डू, हद होती है यार, अब कुछ करवा भी नहीं सकता. आई हैव टू वेट फॉर द पावर टू कम बैक. चलो कहीं और घूमते हैं. अभी दोस्तों चर्च स्ट्रीट पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है कॉल्ड एज क्लिंग. ओके दैट्स अ न्यू प्लेस. आई एम इंटरेस्टेड, आई वॉन्ट टू सी वॉट इट्स लाइक. शुड आई गो टूडे, मे बी सम अदर टाइम. इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू दिस स्नीकर स्टोर कॉल्ड एज कॉप ऑन अ डॉग. वो लोग मेरे दोस्त हैं, दोस्त मतलब इतनी बार खरीद चुका हूँ मैं उन लोगों से. आई बिकम फ्रेंड्स विद देम. आई विल गो सिट देयर फॉर अ वाइल एंड मे बी चार्ज माई फोन एज वेल. थोड़ी देर बैठ के विश्राम करेंगे एंड देन होपफुली आई कैन गो बैक एंड कलेक्ट माई मैकबुक. सो दिस इज द बिल्डिंग. इधर ऊपर में देयर इज अ स्मॉल स्टोर कॉल्ड एज कॉप ऑन अ डॉग. दे हैव बीन हियर फॉर अबाउट 4-5 years नाउ एंड दे हैव बिल्ट अ रेपुटेशन फॉर बींग द बेस्ट स्नीकर स्टोर हियर. भाई आज का दिन ही बुरा चल रहा है. आई केम टू द स्नीकर स्टोर एंड इधर मेरे दोस्त लोग नहीं थे. राइट, द रिसेप्शनिस्ट इज लाइक अरे दे आर ऑन द अदर स्टोर टुडे. आई वाज लाइक फक यार, बैड लक देख रहे हो. चार्जर मांगा तो चार्जर भी नहीं था. नाउ व्हाट डू, आई डोंट हैव चार्ज ऑन माय फोन. इन द मीन टाइम आप लोग चर्च स्ट्रीट देख लो, देयर आर सम स्ट्रीट स्टॉल्स टुडे. राइट, यू सी दीज एक्शन फिगर्स, क्यूट एक्शन फिगर्स. मेरे को एक गोकू का एक्शन फिगर चाहिए था बट घर पर रखने की जगह नहीं है. Some people have put up their own dessert stalls as well. You see that? That is interesting. Okay, so service update अभी ये है कि मैंने अपना MacBook वापस ले लिया है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये स्क्रीन रिप्लेस करेंगे. मैंने बोला अगर तुम स्क्रीन रिप्लेस कर रहे हो मतलब मेरा प्रोडक्ट फॉल्टी था, मेरे को प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट दो. आई वॉन्ट अ न्यू MacBook, ठीक है? क्योंकि इशू आ गया था पहले 2 दिन में ही. सो आइडियली दे शुड गिव मी अ न्यू प्रोडक्ट बिकॉज दे गिव मी अ फॉल्टी प्रोडक्ट. राइट, सो अभी मैं वापस अपने सर्विस मतलब वापस अपने शोरूम में जा रहा हूँ जहाँ से परचेज किया था. मैंने एक जॉब से पे रखी है ये बोलने के लिए कि प्रोडक्ट ख़राब है एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो रिक्वेस्ट फॉर अ रिप्लेसमेंट. भाई मैं बता रहा हूँ इतना चूतिया कट रहा है मेरा ना. फक यार, 2 लाख रुपए खर्चो उसके बाद ऐसा. नाउ घर जाने से पहले मैं एक डाइट कोक पीना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को लग रही है भूख. ठीक है, क्योंकि अब मैं थोड़ा कैलोरीज कट कर दिया ना एंड मैं कुछ खाना नहीं चाहता. सो आई जस्ट वॉन्ट टू गेट सम डाइट कोक इन. एक्सक्यूज मी, कैन आई वांट डाइट कोक प्लीज. भाई मिल गया. What would I do without Diet Coke, man? What even is life without artificial sweeteners and zero calorie drinks? फटाफट पी के आई एम गोइंग टू बोर्ड द मेट्रो नाउ. वापस घर जाऊँगा, उसके बाद फिनिक्स मॉल जाऊँगा, उधर जाके अपना मैक प्रोवाइड करूँगा उनको. आई विल शो देम द जॉब स्लिप एंड होपफुली दे गिव मी अ रिप्लेसमेंट. धीरे धीरे चर्च स्ट्रीट पे भी भीड़ बढ़ रही है. अच्छा है अपन यहाँ से निकल रहे हैं. एंड यार मेरे को लंच करना है घर पे. लेट्स गो. अच्छा तो गाइज मैं अभी MG रोड पे मेट्रो में जा रहा था एंड मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए. नाम बताइए. ओमकार पवार. ओमकार एंड सुभाष. सुभाष, तो आप दोनों कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ. अभी बैंगलोर में नया है? बैंगलोर में जॉब करते हैं हम. अच्छा. एनीवेज हाय बोल दीजिए. हाय. सो गाइज मैं अपने एरिया में पहुँच चुका हूँ. आई हैव अराइव्ड हियर. टाइम टू गो टू द एप्पल शॉप, ऑथराइज रीसेलर के शॉप जहाँ से मैंने खरीदा था. मेट्रो में आई वॉज ऑन द कॉल विथ एप्पल सर्विस सेंटर, जो एप्पल के ऑफिशियल्स हैं. उन्होंने बोला कि वो भी कुछ नहीं कर सकते. भाई हद होती है यार. इट्स लाइक आई एम बींग पनिश्ड फॉर परचेजिंग अ फॉल्टी प्रोडक्ट, है ना? एक तो मैंने अपने पैसे दिए, मैंने एक फॉल्टी प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर पनिशमेंट भी मेरे को ही मिल रही है. अब तुम्हारे भाई ने एक और डाइट कोक ले लिया है, क्या करें? टाइम काटना है, भूख लग रही है, घर जाना है, मैक सही करवाना है, डाइट कोक तो बनता है यार. सो मैं फिनिक्स मॉल आ चुका हूँ. Let me finish my diet coke and go inside. Hopefully, we can get some solution immediately. से गोवा से आया हूँ. I think मेरे को diet coke addiction हो चुका है. I'm drinking diet coke non-stop. गोवा में रोज 3-4 can, इधर रोज 2 can हो रहे हैं. Addiction हो चुका है guys. Phone में charge बिल्कुल नहीं है guys. अगर vlog suddenly बंद हो गया तो समझ लेना कि phone dead. ठीक है?
दोस्तों आज फ्री में मेरे 8000 स्टेप हो चुके हैं। तुम लोगों के सामने घर से निकला था, अभी तक 8000 स्टेप हो गए, कुछ काम नहीं हुआ है। समझ रहे हो आप, 8000 स्टेप हो गए, कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ कंटेंट बनाया है। ठीक है, वो भी क्या कंटेंट, तुम 500 लोगों के लिए। ब्लॉग चैनल में कितने लोग हैं? सिर्फ 500 लोग। तुम लोग रोज़ देखो यार, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंगेजमेंट दो, बढ़ावा दो मेरे को। ठीक है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर ब्लॉग चैनल ग्रो करे या ना करे, आई डोंट केयर। बस मेरे को एक चीज़ चाहिए, जो लोग देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। भाई इधर भी कोई अपडेट नहीं मिली, मैंने इसको बताया तो बोलता है मेरा मैनेजर छुट्टी पे है। भाई सभी न्यू ईयर की छुट्टी पे हैं, कुछ रिप्लेसमेंट भी नहीं दे सकता, कुछ प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं कर सकता। मुझे तो लग रहा है कि एक हफ्ते के लिए लैपटॉप सबमिट करना पड़ेगा, ये लोग स्क्रीन बदल के देंगे। आई एम नॉट गेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, फक हो चुका है गाइज मेरे साथ। एनीवेज चलो अभी घर जाते हैं, खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जिम भी जाना है। भाई इन लोगों ने रोड भी ब्लॉक कर रखी है, मेरे को तो कूद के आना पड़ा है। लेट्स जंप नाउ। भाई 5% बैटरी के साथ मैं घर लौट रहा हूँ, ये व्लॉगिंग करने में पूरी बैटरी मरने वाली है। लुक्स लाइक आई विल नीड अ पावर बैंक। फाइनली अभी घर आ चुका हूँ, आराम से अपना चिकन राइस खाऊंगा, दही खाऊंगा, लास्ट में स्ट्रॉबेरीज खाऊंगा, कुछ देखूंगा एंड विश्राम करूंगा, फिर जिम जाऊंगा। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।